हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो गाइस, जिन जो लोगों ने हमारा GTA 5 गेम प्ले सीरीज पार्ट 1 देखा हुआ है गाइस, तो उन लोगों को आइडिया मिल चुका होगा गाइस कैसे फ्रैंकलिन और माइकल का फ्रेंडशिप हुआ था। सो गाइस, तो ये पार्ट 2 है। एंड गाइस, पार्ट 2 में मैं बताता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले लेस्टर का कॉल आया था माइकल को कि लॉस सेंटोस में एक बैंक खुला हुआ है जिसके गाइस रॉबरी करने के लिए बोल रहा था कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत अभी कम है, तो आप इजीली माइकल रॉबरी कर सकता है। तो चलो गाइस, एक बार हम लोग चल के देख लेते हैं बैंक में कि कितने के मतलब क्या क्या हम लोग को रॉबरी करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए और क्या क्या सीन है वहाँ का। एक बार चल के बैंक में पता कर लेते हैं। अभी चलते हैं गाइस, थोड़ा सा माइकल का आप लोगों को घर दिखाऊंगा मैं, और अभी चलते हैं माइकल को थोड़ा से बढ़िया से कपड़े पहनाते हैं ताकि वो बैंक में चले तो थोड़ा सा बोका लोका लगे इसका। तो अभी के लिए चलते हैं गाइस ऊपर में, एंड नीचे नीचे दिखाता हूँ आप लोग को भी। तो देख सकते हो यहाँ पे इसकी वाइफ यहाँ पे लेटी हुई आराम से, और टीवी भी सब प्रोजेक्टर बंदी की हुई है, बड़ी सी बड़ा सा प्रोजेक्टर है लोग का। और यहाँ पे चलते हैं गाइस सामने में इसका, देख सकते हो आप लोग। ओके, स्विमिंग पूल है यहाँ, बैठने बैठने के लिए बहुत सॉलिड घर है इसका, बहुत ज्यादा सॉलिड घर। और यहाँ पे गाइस टेनिस कोर्ट है इसका, देख सकते हो। किसी और दिन आके हम लोग खेलेंगे टेनिस वेनिस, सब कुछ एंजॉय करेंगे, बट अभी के लिए चलते हैं गाइस। जो हम लोग का मेन मिशन है लेस्टर ने दिया हुआ है गाइस कि हम लोग को बैंक रॉबरी करना है, काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है वहां से हम लोगों को। तो अभी के लिए चलते हैं गाइस जल्दी से, और थोड़ा बहुत ऊपर का देखते हैं। अभी चलते हैं गाइस किचन में। ओके, फ्रेश जूस बना के यहाँ पर रखा हुआ गाइस, तो जल्दी से हम लोग अभी जूस पीते हैं, थोड़ा सा एनर्जी लाते हैं बॉडी में, तभी जाके माइकल कुछ एक्शन कर पाएगा। ठीक है, ओह ये चलो गाइस, तो काफी ज्यादा माइकल एकदम एनर्जी हो चुका है गाइस जूस पी के। एंड अभी चलते हैं गाइस ऊपर की तरफ, एंड ऑल राइट, तो हम लोग आ चुके हैं गाइस अपने रूम के अंदर। क्या ही क्लीन, सब कुछ वेल मेंटेन रखा हुआ है, बेड बेड सब कुछ सही से है। ओके, यहाँ पे माइकल दिख रहा है शीशे में, और गाइस पेंटिंग वेंटिंग क्या ही यार शानदार घर रखा हुआ है बंदे ने, लेकिन पैसे बहुत कम इसके पास गाइस, तो इसको पैसे कमाने हैं, रॉबरी करने जाना है। लेस्टर ने इसको लिंक दिया गाइस, तो चलो ऑल राइट। तो गाइस जल्दी से हम लोग सबसे पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं और बढ़िया से कपड़े पहनते हैं, उसके बाद चलते हैं बैंक। ओके, तो सूट पहनते हैं गाइस हम लोग एक। ओके, ओपी क्या बात है गाइस, सॉलिड लग रहा है एकदम शूज इसका यार, थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, बढ़िया से एक शूज पहनते हैं। ओके ठीक है, अभी शूज आई थिंक इसके पास ज्यादा नहीं है, ब्लैक ही शूज है। चलो गाइस, तो अभी निकलते हैं यहाँ से हम लोग सीधे बैंक के लिए, जो कि लेस्टर ने बताया हम लोगों को कि नया बैंक खुला हुआ है, वही रॉबरी करना। तो एक बार चल के एक बार सब कुछ देख लेते हैं, तो जल्दी से निकलते हैं गाइस यहाँ से हम लोग। ओके, तो गैरेज की तरफ चलते हैं गाइस यहाँ पे। ओके, बाइक है गाइस कोई ना, अभी फिलहाल के लिए इसके पास बाइक है, तो अभी बाइक पे चलते हैं गाइस, और हेलमेट लगा ले माइकल, हेलमेट पहले भाई। हाँ ओके, चलो गाइस, तो अभी निकलते हैं बैंक की तरफ जहाँ पे लेस्टर ने कॉल करके मुझे बताया था नया नया बैंक खुला, तो अभी चल के एक बार देखते हैं। खुल जाओ गेट बाबा। ओके ठीक है गाइस, तो चलो एक बार हम लोग लोकेशन देख लेते हैं वो बैंक कहाँ पे है। ओके, घर से बहुत करीबी है इसके, ज्यादा दूर भी नहीं है। एक बार चल के हम लोग अच्छे से देख लेते हैं गाइस कि वहां पर क्या क्या मतलब हम लोग को इक्विपमेंट लेके जाना पड़ेगा। गन्स तो लेके जाना ही पड़ेगा हम लोग, क्योंकि वो जरूरी है, रॉबरी करने का तो पुलिस से टकराव तो होगा ही, और वहां के सिक्योरिटी गार्ड से उनको भी मारना होगा, तो गन्स तो हमें जरूरी है। बट अभी चल के देख लेते हैं अभी क्या सीन है। और अभी तो सुबह हो ही गई, तो सुबह में तो अपन रॉबरी करेंगे नहीं, क्योंकि यार अगर रात में हम लोग रॉबरी करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा वो, ताकि हम लोग निकल। ओके, ये वही बैंक है जो लेस्टर ने बताया था हमें। एक बार चलो गाड़ी को ना साइड में पार्क कर देता हूँ, तो पता चला कि मेरी कार मेरी बाइक भी चोरी हो जाएगी, ऊपर से ये लोग ठोक भी देंगे यार, ये मैं चाहता नहीं हूँ। एक बार हेलमेट निकाल लो। ओके गुड, एक बार चल के देखते हैं गाइस, और बाहर से एक बार देख लेती है बैंक। बैंक के सामने सिगरेट विगरेट पी रहे यार, बहुत गलत बात है यार, बट कोई ना यार, लॉस सेंटोस से तो यार यहाँ सब कुछ लीगल अलग कर सकते हैं हम लोग। अब एटीएम आ ही गया गाइस, सामने एटीएम दिख रहा है, तो हम लोग चल के एक बार पासवर्ड डालते हैं। ओके चलो गाइस, तो पासवर्ड डाल दिया हम लोगों ने, देख सकते हैं गाइस माइकल के अकाउंट में $7,826 है, और यही बैंक लूटने आए हम लोग। और गाइस चलो देखते हैं यहाँ पे कितने सिक्योरिटी गार्ड है, जैसा कि लेस्टर ने बताया था हम लोगों को, एक दो दो यहाँ पे बस दिख रहे सिक्योरिटी गार्ड, और अंदर में गाइस स्टाफ्स हैं जो कि उन लोग के पैसे वैसे शायद जमा करवा रहे हैं।
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, मतलब आठ बंदे हैं इसके अंदर जो भी पैसे जमा करवा रहे हैं। ठीक है गाइस, अभी नया नया अभी बैंक खुला हुआ है, देखते हैं अभी। ठीक है गाइस, तो हमको क्या करना है यहाँ पे मैं किसी बता देता हूँ। गन्स वंस मैं लेके तो आऊंगा ही, बट ये मेन दरवाजा आई थिंक जाने के लिए ये किस चीज का है, फायर एग्जिट। ओके, ये बाहर निकलने का यहाँ तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जाना है इसके अंदर। ओके ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या आई डोंट नो, बट देखते हैं अभी। चलो भाई, तो बैंक तो ठीक है, ठीक ठाक मुझे समझ में सब कुछ आ चुका है। एंड दो ही बस सिक्योरिटी गार्ड्स, वो भी यहाँ पे और यहाँ पे, तो ठीक है यार, इनको मारना कोई बड़ी चीज नहीं है, इजिली हम लोग मार सकते हैं। और यहाँ से रॉबरी करने में गाइस लेस्टर जैसा बताया था वहां वैसे के लिए तो गाइस ठीक ही है। अच्छा चलो भाई, तो ठीक है, अभी मैं सब कुछ समझ चुका हूँ यहाँ पे क्या सीन है लोगों का और कैसे इन लोगों का गाइस बैंक लूटना, मुझे सब कुछ आइडिया मिल चुका है। क्योंकि सिर्फ दो ही सिक्योरिटी गार्ड से यार, और इजिली हम लोग यहाँ पर रॉबरी कर सकते हैं। लेकिन लेस्टर ने बताया था कि पुलिस वालों से बच के रहना, क्योंकि पुलिस वाले जैसे ही रॉबरी करोगे पुलिस वाले आप मतलब कि माइकल के पीछे इतना बुरी तरह से पड़ने वाले हैं कि माइकल का हालत खराब कर देंगे। तो चलो गाइस, अभी के लिए चलते हैं फिलहाल हम लोग घर पे, अभी के लिए चलते हैं फिलहाल हम लोग घर पे। एंड घर पे जाने के बाद वेट करते हैं गाइस, जैसे ही रात होता है और रात होते ही निकलेंगे गाइस हम लोग गन्स के लिए। गन शॉप पे जाएंगे, गन खरीदेंगे और उसके ओके ओ माय गॉड सॉरी। तो हम लोग जैसे गाइस रात होता है हम लोग चलेंगे घर पे, और रात होने के बाद गाइस गन के शॉप पे जाएंगे, गन परचेस करने वाले हम लोग। और उसके बाद सारी गेटअप वेटअप की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि गाइस देखो यार बैंक रॉबरी करने जा रहे हैं हम लोग, तो इसमें एक चीज बहुत चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा चेहरा ना कोई देख ले, और ग्लव्स भी पहनना बहुत जरूरी है गाइस, हैंड ग्लव्स, क्योंकि यार फिंगरप्रिंट अगर आ गया तो पुलिस वाले यार मुझे ढूंढ के कहीं से भी निकाल लेंगे, और कहीं मैं पकड़ा गया तो वो सारे पैसे भी ले लेंगे, मेरी प्रॉपर्टी भी शायद हो सके तो गाइस ये लोग ले सकते हैं, सील कर सकते हैं। यार बहुत बुरी हालत हो जाएगी मेरे तो, क्योंकि बैंक रॉबरी छोटी मोटी नहीं है। तो चलो गाइस, अभी हम लोग फिलहाल के लिए घर पे आ चुके हैं, अभी हम लोग वेट करेंगे गाइस रात होने का, और रात होते ही अपन लोग चलेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी बाइक मैं गैरेज में ही लगा देता हूँ। Honey, I'm home. अच्छा तो माइकल हेलमेट निकाल ले जल्दी से। चलो भाई, तो हेलमेट भी निकाल लिया हम लोगों ने। अभी गाइस वेट करते हैं रात का, अब क्योंकि हम लोगों ने सीन सब कुछ देख लिया, वहां पे कुछ ज्यादा खास है नहीं, सिर्फ दो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो इजीली उनको टाप देंगे हम लोग उनको, मतलब क्या ही बोलूं। अब तो मेरे मन में, माइकल के मन में इतना ज्यादा खुशी हो रही है ना यार, रॉबरी तो कर लेगा बस, लेकिन लेस्टर ने जैसा बताया था पुलिस वालों से बच कर आना, अगर उससे बच गए तो यार लाइफ जिंगा लड़ा हो जाएगा, माइकल के पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे। ऑफकोर्स यार बैंक में इतने सारे पैसे होते हैं तो माइकल के पास ऑफकोर्स पैसे बहुत सारे होते हैं। चलो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से। एंड अभी गाइस अभी आराम से लेट के सोचते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग को प्लानिंग करना है, क्या करना है सब कुछ। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अभी सो रहे हैं। ऑल राइट गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे यार माइकल सो के उठ चुका है, इसने सारी प्लानिंग कर ली अपनी और कैसे रॉबरी करना है। तो चलो गाइस, तो जल्दी से हम लोग अभी गेटअप चेंज करते हैं, और रात भी हो चुकी है गाइस, तो अभी चलते हैं हम लोग जल्दी से गेटअप चेंज करते हैं, अपना मास्क पहनते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, और एक बढ़िया सा गाइस चोरी करने के लिए सूट पहनते हैं, ताकि यार रात रात में मैं अगर ब्लैक सूट पहनूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, पुलिस वाले अगर मैं अंधेरे में कहीं छुप जाऊं तो पुलिस वाले मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, उसके बाद तो फिर पैसा ही पैसा। तो चलो भाई जल्दी से अपन लोग जल्दी से अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों ने माइकल ने सब कुछ तैयारी कर लिए गाइस यहाँ पे, और गाइस देख सकते हो मास्क और बैग बैग सब कुछ लिया, जिसमें वो पैसे लेके आने वाला, हाथ में हैंड ग्लव्स भी पहन लिया है, ताकि यार फिंगरप्रिंट ना आए बैंक के अंदर जो कहीं भी हमारे, क्योंकि लॉक को खोलने में यार फिंगरप्रिंट आ जाएगा पुलिस वाले कहीं अगर वहां से चेक कर लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अभी चलते गाइस जल्दी से हम लोग बाहर। तो गाइस, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे हो चुका है रात, और गाइस जो हमारे को जो हम लोग का प्लानिंग था गाइस रात को ही चोरी करना था, तो माइकल के मुताबिक गाइस सब कुछ ओके है, रात को ही चोरी करना था, तो हम लोग निकल चुके हैं रात में गाइस। और हम लोग के गैरेज में ये बाइक थी, ये बाइक उठाते हैं गाइस, और बाइक इजी रहेगा यार हम लोग को चोरी करके निकलने के लिए यहाँ से। तो सबसे पहले चलते हैं गाइस हम लोग गन के शॉप पे, वहां से अच्छी सी गन्स लेते हैं, क्योंकि यार लेस्टर ने जैसा बताया था पुलिस वाले काफी ज्यादा बुरी बुरी तरीके से हमारे पीछे पड़ने वाले हैं, तो हम लोग गाइस गन्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पहले चल के गन के स्टोर पे गन लेते हैं हम लोग। ओके, अगर हम लोगों ने गाइस अगर ये रॉबरी सक्सेसफुली कर लिया और पुलिस वालों से पीछे छोड़ा लिया, तो
तो अपने पास इतने सारे पैसे हो जाएंगे यार कि मतलब माइकल से यार खुशी हो जा रहा है, मैं पागल हो जा रहा है भाई। चलो भाई जल्दी से पहले हम लोग गन के शॉप पे चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं गन के शॉप पे गाइस, तो चलो जल्दी से वहां पे हम लोग बाइक लगाते और चलते स्टोर के अंदर, एम्युनेशन गन स्टोर, क्या बात है। तो अंदर चलते हैं गाइस जल्दी से। हाय बड़ी, चलो गाइस तो यहाँ से हम लोग वेपन लेते हैं। एक तो गाइस AK-47 भी जरूरी है, जब आए हैं तो ले ही लेते हैं सारी चीजें। चलो बॉस है, इसकी एमओ भी बहुत सारी कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक शॉर्ट गन भी रख लेते हैं हम लोग, काफी ज्यादा काम आएगा यार क्लोज रेंज के लिए। और थोड़ा सा एमओ ले लेते इसकी। और एक ये गन गाइस $1300 में दे रहा है, चलो ठीक है इसको भी रख लेते हैं यार। गन तो रहेगी तो उतना ही बढ़िया रहेगा ना हमारे पास, क्योंकि रॉबरी करने जा रहे हैं यार, कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। और दूसरी बात गाइस, यहाँ से हम लोग एक ओके चलो गाइस यहाँ से हम लोग आर्मर ले लेते हैं। ओके ब्लैक ही लेते हैं हम लोग, ओके ये वाला लेते हैं। चलो $500 का मिल रहा है, ओके बहुत बढ़िया। चलो भाई तो हम लोगों ने आर्मर गन सब कुछ ले लिया अपने प्लानिंग के मुताबिक। अब जल्दी से चलना है गाइस बैंक में, लेकिन यार मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि बैंक के आसपास कहीं पुलिस वाले घूम रहे होंगे ना, तो वो सडनली ही घुस जाएंगे उसके अंदर और बहुत बुरी हालत कर देंगे हमें। तो अभी के लिए चलते हैं जल्दी से बैंक और गाइस करते हैं रॉबरी, क्योंकि यार रात हो चुकी है और हम लोग प्लानिंग के मुताबिक अपना काम करें करके। तो चलो गाइस यहीं से लेफ्ट टर्न लेना हम लोग को और पहुंच जाएंगे सीधे बैंक। ओके तो सर गाइस देख सकते हो यहाँ सामने वही बैंक है गाइस जो हम लोग रॉबरी करना था यहाँ पे, लेकिन मैं ना अपने बाइक यहाँ अच्छी जगह लगा देता हूँ जहाँ से हम लोग इजिली निकल पाए। अगर पुलिस वाले अगर हम लोग को पीछा करते हैं तो हम लोग आराम से यहाँ से निकल जाए। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं बैंक के अंदर और एक बार देख लेता हूँ मैं पुलिस पुलिस वाले कोई है तो नहीं यहाँ पे। सब कुछ ठीक है गाइस, कोई भी पुलिस वाला नहीं है, माइकल अभी सेफ है। तो अभी इजीली चलते हैं अंदर में एंड दोनों गार्ड्स को गाइस यहाँ पे मुझे तो मारना ही पड़ेगा इनको। ओके मुझे देख नहीं रहा वो, अरे इधर में स्टार्ट करना। चलो ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से एंड निकालते हैं पिस्टल। इनके लिए तो सिंपल सा पिस्टल ही काफी है और इसको पता भी नहीं है मैं यहाँ पे गन निकाल के बैठा हूँ। क्या सिक्योरिटी गार्ड थे नहीं लोग, हमें अभी भी नहीं पता जो गन पॉइंट पे रखा हूँ मैं। और इसको मैंने दिया हेड शॉट, चल निकल यहाँ से। इसको भी दिया हेड शॉट। चलो गाइस तो रेवरी स्टार्ट कर दी हम लोगों ने। ओके अबे नहीं मत, ओके गाइस तो इस बंदे ने दबा दिया गाइस रेड बटन, यानी कि गाइस यहाँ पे पुलिस स्टेशन वालों को, पुलिस वालों को पता चल चुका है गाइस कि मैं रॉबरी करने के लिए आ चुका हूँ उसके अंदर में, मतलब कोई बंदा रॉबरी करने के लिए आया इस बैंक के अंदर। तो चलो गाइस तो अभी हम लोग इस लॉक को खोलते हैं। और यार लेस्टर ने हमें क्या क्या नए नए गाइस इक्विपमेंट दिया हुआ है देख सकते हो यहाँ पे। लेस्टर यार काफी ज्यादा हैकिंग वैकिंग करता है इस सब चीजों को, तो उसने मुझे कुछ ऐसी 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 चीजें इक्विपमेंट दिया गाइस कि जिससे हम लोग कोई भी दरवाजे को दरवाजे का लॉक इजीली खोल सकते हैं, उसके मतलब जो लॉक होता है उसको मेल्ट करके। तो चलो गाइस एक और यहाँ पे दरवाजा है, इसको भी हम लोग जल्दी से खोलते हैं। ओके लेस्टर से यार मतलब क्या ही बंदा है यार, क्या ही बंदा, क्या क्या इक्विपमेंट रखा हुआ भाई। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं हम लोग बैंक के नीचे में, आई थिंक। ओके यहाँ पे गाइस, ओके ठीक है गाइस, तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, अगर मैं ऊपर जाता टाइम वेस्ट करता, क्योंकि असली लॉकर यहाँ पे, इसी को खोलना है गाइस, काफी बड़ा लॉकर है। तो चलो गाइस यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे गाइस वो लॉक है जिसको हम लोग एक्सेस करेंगे मतलब डिकोड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा वो बड़ा वाला लॉकर खुल जाएगा। तो चलो गाइस जल्दी से हम लोग इसको करते हैं। ओके आई थिंक जिसको मेरे ख्याल से सेंटर प्लान। ओके गाइस ये लॉक कितना इजी खोलना है यार, क्या बैंक वाले हैं। चलो गाइस इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, सेट किया और एक ये भी कर दिया मैंने, ये भी कर दिया मैंने। ओके अच्छा मतलब एक सारे मतलब कि लाइन बाय लाइन अगर हमने सारे लॉक को एग्जैक्ट रेड लाइन पे लगा दिया, अगर भी मिस हुआ ना तो एक पीछे वाला लॉक छूट जाएगा ना, यही चीज है। चलो गाइस तो इसको भी लॉक, इसको भी लॉक, इसको भी लॉक, इसको भी लॉक, इसको नहीं मिस हुआ, ये लॉक, ये लॉक। चलो गाइस तो फाइनली हम लोगों ने गाइस सबसे बड़ा खजाना खोल दिया है गाइस, इसका दरवाजा खोल दिया, अब हम लोग बनने वाले हैं माला माल। ओ माय गॉड यहाँ भी एक लॉक है, ओ भाई साहब कितने सारे लॉक है गाइस,
इतने सारे दरवाजा, मतलब क्या ही सीन है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक हमारे साथ लेस्टर है इस तरह की तगड़ी तगड़ी चीजें हम लोग को बताने वाला है, कहां से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, दबा कर के आदम उठा कर एकदम निचोड़ डालेगा, सारे पैसे उठाएंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे गाइस वो पैसे जो कि वो बैंक वाले, जो बैंक में जो बंदे आते जमा किए थे गाइस, यहाँ पे उस बंदे ने यार वो रेड वाला बटन दबा दिया था, उससे सारे पुलिस वालों को मालूम चल गया। तो जल्दी जल्दी से गाइस यहाँ पे माइकल पैसा उठाने में लग चुका है, वो तो सारे पैसे जल्दी उठाओ माइकल जल्दी। ओके भाई कितने सारे पैसे हो रहे भाई, कितने सारे पैसे कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ओ भाई साहब जल्दी उठाओ जल्दी, दोनों हाथ से उठाओ माइकल, क्या कर रहा है। चल चल ये वाले उठा, ये वाले उठा। अगर भाई अगर इसने सारी चीजें उठा ली ना तो कसम बता रहा हूं मैं, मतलब यार क्या से क्या ही कर सकता भाई। पैसे हैं भाई, पैसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अभी के लिए तो मेरे ख्याल से इतने ज्यादा पैसे यार कि ये कुछ भी भाई कर सकता है, कुछ भी। ओके जल्दी 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 जल्दी, 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 जल्दी। अभी साइड में पैसे उसको भी उठा ले। ओके जल्दी कर माइकल, हम भी उठा जल्दी कर, सारे पैसे उठाने, सारे पैसे हमारे हैं भाई। माइकल बहुत ज्यादा खुश है अंदर ही अंदर कि इतने इजीली रॉबरी कर ली यार, बस पुलिस वाले ना पीछे पड़ जाए। पीछे वैसे तो पीछे पड़े हुए हैं बट बहुत कम पड़े यार, ज्यादा बेटर रहेगा, हम लोग निकल सकते हैं यहाँ से। तो जल्दी कर माइकल निकल यहाँ से, सारे पैसे हम लोग लेके निकल चुके हैं गाइस। और यार लव यू और लेस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना ज्यादा इजिली बताने के लिए यार, कि इतना मतलब नया नया बैंक खुला हुआ है। और यहाँ पे ओ भाई ये क्या सीन है, सुबह हो गई क्या, लूटते लूटते बैंक मेरे को। ओ भाई मेरे को पहले यहाँ से घर निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ पे। ओके पहले देख लूँ। ओ भाई भाई कितना सारा पुलिस आ चुके भाई यहाँ पे, गाड़ियों में 4 स्टार लग चुके मेरे ऊपर तो। ओ भाई अबे ये बंदा, ये पुलिस वाला तेरी भैंस, चले चले बढ़ा ले और इसको मर बड़ा यहाँ पे। ओ भाई ये क्या ही सीन देख रहा। ओके भाई ये क्या पहना हुआ, मैंने भी पहना हुआ बड़ा, तू ही नहीं पहना, मैंने भी पहना हुआ है। ओके भाई ये पुलिस वाले क्या है भाई, ये क्या है भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है गाइस यहाँ पे, थोड़े मरे बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए हैं। जल्दी से मुझे यहाँ पे गाइस कवर लेना पड़ेगा, यहाँ पे निकल बड़ा यहाँ पे, एक बंदा इधर से आ रहा है। ओ भाई निकल बड़ा, चल चल यहाँ से चल निकल भाई, मुझे तो पहले ये बैंक से निकलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक और पुलिस वाला आ गया। ले बड़ा मत बेटा, तू भी मत बेटा, ले चल यहाँ से निकल चल। ओ भाई कितनी सारी पुलिस वालों को लाशें बिछा दी मैंने यहाँ पे, चल। ओके एक और सामने, जल्दी से निकलना पड़ेगा मुझे गाइस यहाँ से। ओके एक और यहाँ पे ले बड़ा, तू भी ले यहाँ पे। चलो भाई तो जल्दी से भागना पड़ेगा यार, यहाँ पे चौपर पुलिस 4 स्टार पुलिस पड़ चुकी है यार, मतलब समझ लो कितना लेवल का, मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं, माइकल में तो फट रही है लेकिन मन में बहुत ज्यादा खुशी भी है, इसने इतना ज्यादा पैसा यार एक ही बार बैंक लूट के यार कमा लिया। बट इस पुलिस वाले से जैसे लेस्टर ने बताया था यार, इस पुलिस वाले से अगर पीछा छोड़ा लिया ना ये सारे पैसे हमारे हो जाएंगे, सारे के सारे पैसे हमारे। यार एक पुलिस वाला इधर से, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ओके, एक और सामने वाला पुलिस यार, कितने सारे है भाई, रुको रुको इनको बताना पड़ेगा, मुझे इनको बताना पड़ेगा कि क्या। ओके भाई यार, ओके ओके निकल निकल जल्दी। अबे इधर से भी एक पुलिस वाला आ रहा है वहां पे। ओ भाई ये किस लेवल की पुलिस आ गई भैया, यहाँ तो लॉस एंटोस की पुलिस थी यार, लेकिन यहाँ पे और भी लेवल, मतलब हाई लेवल की पुलिस आ रहा है। ओ भाई मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ आखिर में, मैंने एक चीज अच्छी किया है जहाँ पे बाइक लिया है ताकि मैं इजीली कहीं भी निकल सकता हूँ। ओ भाई यहाँ तो रोड ही ब्लॉक करता हूँ, क्यों नहीं, नहीं लड़ना नहीं मुझे, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं मुझे। ओ भाई मुझे तो गोलियां पे गोलियां पड़ी जा रही है, सामने एक पुलिस वाला यहाँ पे, चल निकल यहाँ से। ओ यार हटा लेना गाड़ी अपना बीच में से भाई। ओके यार बहुत ज्यादा पुलिस वाले पीछे पड़ चुके हैं भाई, ओ पूरी रोड ही ब्लॉक कर दिया लोगों ने, हट गए यहाँ से, चल निकल यार, प्लीज छोड़ दे मुझे यार, एक बार तो माफ कर दो। एक काम करते हैं हम लोग, अगर नहीं, गलत जगह पर, चल
जल्दी से निकलना पड़ेगा यहाँ से। अगर मैं ना अगर अपनी ड्राइविंग को फोकस करूँ, अगर कहीं टकराव नहीं लड़ू नहीं ना, तो मैं इन लोग से पीछा छुड़ा सकता हूँ, क्योंकि इन लोग से अच्छी मेरी कार है, बाइक है, सॉरी बाइक है मेरे पास। ओके, एक और पुलिस वाला यहाँ से आ गया, सामने भी एक पुलिस वाला ब्लॉक करके रोड रखा हुआ है। ओ भाई यहाँ कितनी तक, ओ भाई रास्ते ही ब्लॉक करके रखे इन्होंने। एक ये भी यहाँ पे, इससे तो पीछा छोड़ा ही लूंगा मैं। ओके भाई ये मैं कहाँ पे आ गया, चॉपर वाले पीछा छोड़ दे मेरा। ओके भाई भाई क्या मुझे लगा ना भाई की हालत खराब होने वाली ठुक ठुक के यहाँ पे। तो एक बार बस पीछा छोड़, ओ किससे टकरा गया मैं, एक बार बस नीचे पीछा छोड़ जाएगा, एक बार प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो सारे। ओ टायर को पंचर कर दिया इन लोगों ने। ओ भाई अब तो ये ऐसे मानने वाला नहीं, इनको मैं बताता हूँ। रुक जा अभी बेटा, रुक जा कोई कवर लेने दो, कोई कवर लेने दो मेरे को, तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले ना, आ जाओ ले बढ़ते, तू भी खा यहाँ पे, तू भी खा, सबके मत्थे पे दूंगा मैं, हेड शॉट दूंगा सब, ले तू भी खा, ले तू भी खा। अबे भाई ये चौपर वाला ना ऊपर से अलग तंग कर रहा है, कहाँ पे ओके यहाँ पे, मैं अगर पायलट को ही मार दूँ, ओके इसको तो मार दिया मैंने। एक यहाँ पे ओके चल आ जा बेटा, तू भी आ जा, तू भी ले, तू भी ले बेटा तू। अबे भाई अबे मर के ही मारेगा क्या तू मेरे से, तू भी ले बेटा, तू भी ले यहाँ पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऐसे निकलना पड़ेगा। ओ भाई ये बंदा मरा ही नहीं, निकलो यहाँ पे, सारी के सारी गोलियां तेरे ऊपर खत्म करूंगा मैं, और ले बेटा यहाँ से निकल, तू भी निकल यहाँ से। चल भाई इनकी कार चुरा के भागनी पड़ेगी मुझे, चलो निकल। अबे तेरी भैंस की, चल निकल यहाँ से, ब्लैक तेरी भैंस। अब इसकी टायर ही पंचर करते हैं, इसी को ठोकता ले बड़ा, तू भी ले, और कौन बैठा हुआ है, तू भी ले यहाँ पे। चल इन्हीं के कार लेकर भागता हूँ यार, नहीं तो मेरे को बहुत बुरा भाई, बहुत बड़ा वाला गड़बड़ हो चुकी है भाई, इतनी सारी पुलिस पड़ चुकी है हमारे पीछे, जल्दी से निकलना पड़ेगा हमें। लेकिन भाई एक दिक्कत है ना, अगर मैं पुलिस की कार चुरा के जाता हूँ ना, इसमें एक GPS ट्रैकर लगा होता है जिससे कि पुलिस वालों को मालूम चल जाता है, भाई हट जाता हूँ नहीं बीच में। नहीं मैं एक काम करता हूँ भाई, यहाँ से ना एक कार ले लेता हूँ, ताकि यार पुलिस वाले ना, पुलिस वाले मुझे इजीली पकड़ ना पाइए। बाइक ठीक है क्या, इस बाइक को लेते गाइस, बाइक में एक फायदा है यार कि मैं इजीली से निकल सकता हूँ, मतलब कहीं भी किसी भी रास्ते से। चल बहुत बुरी हालत कर रही है सारे के सारे मिलके मेरे को। गाड़ी के सामने ही ला देते, भले तुम मरो या जियो उनसे कोई मतलब नहीं, बस पकड़ लेना किसी भी तरह। भाई ये तो भाई रास्ते ही ब्लॉक कर दिए मेरा, यहाँ से निकलते हैं। मैं काम करता हूँ हाईवे पे निकलता हूँ, उनको अगर मैं पीछे छोड़ दिया ना, तो कहीं पे जाकर छुप सकता हूँ जहां से मेरे को ना ये लोग पकड़ ना पाए। ओके यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं गलत रास्ते आ गया क्या, मैं बहुत ही गलत रास्ते पार कर। ओके यहाँ से निकलते हैं हम लोग, सामने इतना तगड़ा पुलिस भाई यार, क्या ही सीन है। यहाँ से निकलते हैं हम लोग यार, अगर हाईवे का रास्ता मिल जाए तो ज्यादा बेटर है हमारे। तो भाई ये गाड़ी मुड़ क्यों नहीं, अबे आगे का उसको भाई यार, आगे का टायर ही पंचर कर दिया लोगों ने तो। अबे ताऊ रुक जा मेरे भाई, रुक जाओ, ये वाली कार लेते यार। देखो मुझे तो कहीं ना कहीं से यार इससे बचना ही पड़ेगा यार, इधर लोग बहुत बुरा हो रहा है। देखो ना चीचे उसे गाड़ी वाड़ी सब फोड़ दिए लोगों ने। ओ भाई तेरी भैंस के टांग तेरी, निकल यार निकल, तू भी निकल, तू भी निकल यहाँ से बड़ा, तू भी निकल। चल अरे भाई ये लोग तो गाड़ी उड़ा देंगे, मुझे लग रहा है ये लोग गाड़ी उड़ा देंगे। ओ भाई वो क्लोज भी शॉटगन चला रहा है मेरे भाई, मुझे बाइक चाहिए यार, मुझे पुलिस का कार नहीं चाहिए यार,
पुलिस से गाड़ी में मेरा जीपीएस लगी हुई थी, इजीली ट्रैक कर लेगा मुझे। बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रही है यार ये रॉबरी यार, लेट कर यार कुछ सोल्यूशन तो बता देते मुझे एटलीस्ट, मुझे बचना कैसे इनसे। कोई भी प्लानिंग नहीं, बस मुझे बस नॉर्मल सी बातें बता दी, और इतना नहीं बताया कि 5 लेवल की स्टार पुलिस पड़ जाएगी हमारे पीछे भाई। ओके मैं एक काम करता हूँ, देखो ठीक है पुलिस वाले देखो यहाँ पे तो नहीं है, मैं यहाँ से निकलता हूँ सबसे पहले। ओ भाई ये पुलिस वाला यहाँ कैसे आ गया फिर से, इधर निकलता हूँ मैं अभी। मैं बस ना इनसे थोड़ा दूर हट जाऊँ, नजर से हट जाऊँ। ओके यहाँ मैं जा सकता हूँ, यहाँ मैं जा सकता हूँ, बस चौपर वाले मुझे ढूंढ ना ले। कोई यार कोई ऐसा कवर ओवर कुछ हो तो मजा आ जाए। चौपर वालों ने मुझे देखा हुआ अभी, मैं एक काम करता हूँ यहाँ तो भगाते हुए आगे, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं अपने पास में ना, ज्यादा बढ़िया है। ओके यहाँ मैं रुक जाता हूँ थोड़ा देर। अबे क्या है माइकल नर्सिंग से कर गया है क्या? ओके मैं थोड़ा देर यहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ। नहीं यार यहाँ भी पुलिस वाले वो आ गए भाई, तो मेरे को हर जगह अभी निकल यहाँ से, निकल 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 भाई प्लीज यार, मर जाऊंगा मैं अब यार, आखिरी सीन ही चल रहा है मेरा तो। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर भाई, अभी जहां जा रहा हूँ पुलिस वाले वही पहुंच जा रहे भाई। कि यार ये कार भी ढंग की नहीं है भाई, ये कार भी ढंग की नहीं है। ये पुलिस वाला ना मुझे कितना ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं यहां से निकलूं। ओ भाई यार ये ऊपर से जो चौपर वाला है ना बहुत बुरा स्थिति कर रहा है यार मेरा तो। ओ भाई पीछे पीछे कितना सारा पुलिस की गाड़ियां पड़ी हुई यार। ओ पहले मैं कहीं ना कहीं से तो निकलूं, तो मुझे एक सेफ खबर कवर चाहिए यार। कि मैं थोड़ा देर अगर यहाँ होल्ड करता हूँ, ओके गाइस तो यार देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कवर लिया और पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दिया भाई। फाइनली बहुत देर तक वेट किया मैंने यहाँ पे छुप के, और गाइस पुलिस वालों ने फाइनली मुझे छोड़ दिया यार। और मैं क्या ही बोलूँ यार, ये लेस्टर ने बताया तो था इतना इजी है, लेकिन उसने बोला भी था कि पुलिस वाले इतना बुरा पड़ेगा तुम्हारे पीछे कि बचना मैं माइकल को खुद से ही होगा। लेकिन चलो भाई जैसे तैसे करके यहाँ पे माइकल बच चुका है, और कितना बुरा हालत कर दिया है यहाँ पे यार पुलिस वालों ने, भगा भगा के इसकी। एंड गाइस चलो यार तो फाइनली माइकल ज्यादा बहुत ज्यादा खुश है, और यहाँ पे माइकल को पुलिस वालों ने छोड़ दिया। माइकल के पास बहुत सारे पैसे है, बहुत सारे। अभी चलते हैं गाइस जल्दी से हम लोग घर पे कपड़े चेंज करते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं कितने पैसे हो चुके हैं माइकल के पास, और माइकल क्या करने वाला है उन पैसों का। घर पे चल के बात करते हैं गाइस माइकल से, देखते हैं माइकल क्या चाहता है। चलो ओके यही कार लेके चलते हैं अभी। ऑल राइट तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे माइकल जैसे तैसे करके पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लिया था, और माइकल यहाँ पे अपने घर के लिए निकला गाइस, और घर पे पहुंच भी चुका है वो। तो काफी अच्छी बात है गाइस, माइकल अंदर अंदर बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा है कि माइकल के पास इतने सारे पैसे, यार बैंक रोबरी किया था माइकल ने तो इतने सारे पैसे हो चुके हैं। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं अभी घर के अंदर, और किसी के कार उठा के लेके मैं आया हूँ। पर ठीक है गाइस ये सब कार मुझे चाहिए नहीं, ये सब कार को मैं फेंक दूंगा वैसे भी बाहर। पैसे इतने यार कार अभी खरीदने वाले हैं हम लोग, डोंट वरी। अभी चल के जल्दी से गाइस बढ़िया से कपड़े पहन लेते हैं हम लोग। सो गाइस यहाँ पे माइकल ने कपड़े को चेंज कर लिया, अपना सब कुछ गेटअप चेंज कर लिया। गाइस बैंक रोबरी भी सक्सेसफुल रही थी, एंड यहाँ पे गाइस माइकल के पास मैं बता देता हूँ $29,72,880 है अभी भी। मतलब कहाँ था यार, 700 कुछ, मतलब 7,000 कुछ डॉलर थे इसके पास में, लेकिन अब हो चुके $29,72,000। मायने रखता है बहुत बड़ी रकम इसने, मतलब कि यार क्या बात है यार, लेस्टर ने क्या ही प्लान बताया था नए बैंक के बारे में, जो कि वहां पे हम लोग रॉबरी किया और वहां पे पुलिस से पीछा छोड़ा है बहुत ज्यादा। गाइस
प्रॉब्लम हुई, लेकिन जैसे जैसे करके हम लोगों ने पीछा छुड़ा लिया पुलिस वालों से, और गाइज हमारे पास है अभी 29,72,000 डॉलर। सो गाइज तो यार माइकल ये सोच रहा है कि इतने पैसे को वो करेगा क्या, तो गाइज ये सोच रहा है कि इसके पास देखो घर तो अच्छी इसके पास में, लेकिन इसके पास कार अच्छी नहीं है, बाइक भी अच्छी नहीं है। सो गाइज तो प्लीज मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि माइकल को कौन सी कार लेनी चाहिए या फिर कौन सी बाइक लेनी चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ गाइज अभी फिलहाल के लिए तो कार ही ले ले अच्छी वाली कोई बढ़िया सा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ गाइज बाहर चीज को इंपोर्ट करवा, यानी कि जैसे मान लो हम लोग इंडिया से इंपोर्ट करवाते हैं गाइस, तो प्लीज मुझे जरूर बताना कि इंडिया से कौन सी कार इसके माइकल के लिए इंपोर्ट कराई जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। लव यू सबको। एंड गाइस ये एपिसोड यानी कि ये पार्ट टू यही पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं गाइस पार्ट थ्री में अगले दिन। लव यू, बाय बाय।